जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में थ्री सेट्स गिवन हैं। इनमें ये वाला सेट आर है और ये एस और ये वाला टी। अब इनमें हम फाइंड करेंगे आर माइनस टी। ये आर और टी के दरमियान में ये लाइन है, इसका मतलब माइनस है। हम आर सेट के एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे टी सेट के एलिमेंट्स। तो पहले हम इस ब्लैंक में आर सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। ये आर के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3। अब अगर ये माइनस है तो अब इसके आगे हम ये टी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। ये टी के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। अब इनमें से कोई एलिमेंट्स अगर इसमें जो होगा वो हम माइनस करेंगे। पहले इनमें देखिए 1, 2, 3 इसमें है, तो इसमें भी 1, 2, 3 है। ये हम 1, 2, 3 माइनस कर देंगे तो बाकी इसमें क्या बचेगा, 0। तो 0 हम यहाँ लिख देंगे इस ब्लैंक में। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ये हम नहीं लिखते, बस यही आंसर है। अब हम एस माइनस आर करेंगे। इस सेट में हम एस के एलिमेंट्स लिखेंगे। ये एस के एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4। ये हम यहाँ लिखेंगे। अब आगे ये माइनस है और इसके आगे हम आर सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। ये आर के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3। ये यहाँ आएंगे। अब हम माइनस करेंगे। इस तरह से भी माइनस कर सकते हैं। जो दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम काटेंगे। पहले देखें इसमें, इसमें भी 0, 2 है और इसमें भी 0, 2। ये दोनों माइनस हो गए तो अब हम इसमें जो बचेंगे वो लिख देंगे, क्या है, 4। और इस सेट के हम एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, बस यही आंसर है। अब हम टी माइनस एस करेंगे। इस सेट में टी के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब इस सेट में हम एस के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब इस सेट में जो एलिमेंट्स इसमें होंगे तो वो हम माइनस कर देंगे। इनमें ये 2 और 4 माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 और 4 है। ये हम माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 1 और 3। 1 और 3 हम यहाँ लिख देंगे।